प्राइस कैसे हैं आप सभी? खैरियत? प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, मैं आपका दोस्त तुषार एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। द नेम इज ऑडियो हंटर। तो कैसे है गाइस सब? दुआ करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो ऐसे ही आपके तुषार भाई भी बहुत अच्छे से है, बढ़िया से है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें इतना प्यार देते हैं और हमारा जो चैनल है उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए गाइस हमारे प्यारे से चैनल में। सो आज का जो मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, जो आज के हमारे गेस्ट साहब आए हैं, बहुत ही हाई एंड और लेटेस्ट मॉडल तुषार भाई हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए लेकर आए हैं, जो कि है यामाहा का STR3072, जो कि ये आपको 5.1 मिल जाता है पर चैनल, 135 वॉट पर चैनल है और बहुत ही अच्छी, टोटली ब्रांड न्यू कंडीशन में है गाइस, ठीक है। और इसमें आपको सारे लेटेस्ट फंक्शन मिल जाते हैं। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, यामाहा नेचुरल साउंड AV रिसीवर। इसका मॉडल है STR3072, ठीक है गाइस। और ये आपको मिल जाता है सिनेमा DSP डिजिटल के साथ, जो कि डॉल्बी प्रोलॉजिक सारे इसके अंदर सपोर्टेड है। और ये देखिए, इसमें आपको इनबिल्ट ब्लूटूथ मिल जाता है, HDMI मिल जाती है, 4K 3D पास, एंड आपको DTS SG मास्टर मिल जाता है, जो कि 2SG एम्पलीफायर है ये, और साथ ही साथ आपको ये डॉल्बी ऑडियो मिल जाता है, ठीक है। और कंडीशन की बात करें, टोटली मिंट कंडीशन में है। और ये आपको इसमें फ्रंट में USB मिल जाती है और फ्रंट में इसका ऑक्स मिल जाता है, ठीक है। सारे मतलब लेटेस्ट फीचर्स के साथ आपको ये एम्पलीफायर तुषार भाई प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि यामाहा का STR3072 है, जो कि 2020 का मॉडल है, ये लेटेस्ट है और ओरिजिनल मेड इन मलेशिया है। ये इसका रिमोट है गाइस, ये देख सकते हैं, जिस भी किसी भाई के पास जाए सीरियल नंबर देख लीजिए, RAV561, ये इसका टोटली रिमोट है, ओरिजिनल यामाहा का है। ये देखिए, इसमें फंक्शन है ब्लूटूथ, USB AM FM, ठीक है, USB भी है, ब्लूटूथ है, HDMI है, सारे इसमें प्रोग्रामिंग फंक्शंस भी है, इनपुट्स भी है। बैक कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए रिमोट का कंडीशन भी बहुत ही अच्छा है, 2 बैटरीज जलते हैं। और ये आपका रिमोट का सीरियल नंबर देख सकते हैं, 104-30A, ठीक है गाइस, टोटली मिंट कंडीशन में है। मैं इसको लगा देता हूँ, काफ़ी अच्छा यूनिक सा रिमोट बनाया इन्होंने, हैवी स्लीक, ठीक है। तो ये गाइस यामाहा का 5.1 है, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही मिंट कंडीशन में तुषार भाई हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए, भाई और बहनों के लिए लेकर आए हैं। तो बहुत ही हैवी एम्प है, वाटेज भी अच्छी है, सारे लेटेस्ट फंक्शन है, ब्लूटूथ के साथ मिल जाता है इनबिल्ट, ठीक है। और कैलिब्रेशन माइक का भी इसमें, अडॉप्ट माइक का भी ऑप्शन आप ये देख सकते हैं, ठीक है गाइस। फोन्स का भी ऑप्शन है इसमें, हेडफोन्स भी, जैसे जिसमें लिखा हुआ है साइलेंट सिनेमा, तो अगर आप इसमें हेडफोन्स भी लगाएंगे तो जो हेडफोन का भी जो साउंड है प्रॉपर थिएटर साउंड आएगा, ठीक है। और सारे बटन्स वर्किंग है, अभी मैं आपको इसको प्ले करके, साउंड ट्रैक प्ले करके दिखा देता हूँ, और वीडियो के एंड में मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊँगा कि किस प्राइस में आप इसे मंगवा सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। तो आइए गाइस, मैं इसका बैक कंडीशन भी आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको इसका अपर कंडीशन यहाँ का दिखा दूँ, ठीक है, टोटली मेन कंडीशन है। ये गार्ड लगा हुआ है, कंपनी की तरफ से टेम्पर गार्ड लगा है सेफ्टी के लिए, ओके गाइस, ये आप देख सकते हैं, बोथ कंडीशन एंड वेरी गुड, टोटली मिंट कंडीशन, शोरूम कंडीशन एम्पलीफायर यामाहा, मॉडल नंबर इज STR3072। सो दिस इज अ 5.1 एम्पलीफायर एंड इट्स कमिंग विद ऑल लेटेस्ट फंक्शंस लाइक ब्लूटूथ, HDMI, DTS मास्टर, USB एंड डॉल्बी ऑडियो ऑल्सो सपोर्टेड दिस एम्पलीफायर। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू सी यू बैक पिक्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका बैक का फोटो,
तो आइए बने रहिए। जैसे कि इसकी बैक कंडीशन भी आप देख सकते हैं, टोटली शोरूम कंडीशन है, कहीं से कोई डैमेज नहीं है आप देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारी कंडीशन में है। आइए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये यामाहा का मॉडल नंबर इस एस्ट्रिया 3072। ओके गाइस, और ये आपको मिल जाता है, और ये पहली बार 220 वोल्ट सप्लाई में चलता है, कोई स्टेबलाइजर कन्वर्टर लगाने की आपको जरूरत नहीं है। और ये आपको गाइस मिल जाता है मेड इन मलेशिया का, ठीक है। यहाँ पे ये सारा इसका डिफॉल्ट सेटिंग का डायग्राम बना रखा है, जैसे ये टीवी है, प्रोजेक्टर, सेंटर स्पीकर, टू फ्रंट और टू ये रियर स्पीकर्स है, ठीक है। और सबसे अच्छी खासियत की बात है, इसमें सब डायग्राम बना रखा है कि आप इस तरीके से वायर को कट करके, और वायर इसके जो बॉडी है उस पर टच नहीं होना चाहिए, ये प्रोटेक्शन सारा इसमें दे रखा है। ये देखिए इस तरीके से वायर इसमें जानी चाहिए। ओके, तो ये देखिए गाइस, इसमें आप डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स भी सपोर्टेबल है, डॉल्बी एटमॉस के फ्रंट में स्पीकर्स राउंड में भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसका सेटिंग बता देता हूँ, इसमें पूरा देख सकते हैं आप, ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तो आप इसके फ्रंट के ये लिखा फ्रंट राइट फ्रंट लेफ्ट, दो फ्रंट के स्पीकर यहाँ लग जाएंगे, यहाँ आपके सेंटर स्पीकर्स लग जाएंगे, और यहाँ पे आपको सराउंडिंग बाई एम का भी ऑप्शन दे रखा है, और डॉल्बी एटमॉस के साउंड भी इसमें सपोर्टेड है, ठीक है गाइस। तो आप ये देख सकते हैं, और इसमें आपका एक्टिव सबवूफर लगता है, सबवूफर इसमें सिर्फ एक लगेगा, इसमें लिखा है प्री आउट सबवूफर। आप चाहे तो कन्वर्टर आता है, कनेक्टर आता है, तो उस कनेक्टर के माध्यम से उसकी हेल्प से आप इसमें दो सबवूफर्स भी चला सकते हैं, सो आप इसको 5.2 चैनल भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिए एचडीएमआई है, बिल्कुल मिंट कंडीशन में एचडीएमआई का, अगर आप कंडीशन देखिए बिल्कुल साफ है, नीट एंड क्लीन है, ठीक है गाइज। इसमें टोटल आपको 1, 2, 3, 4 एचडीएमआई इन मिल जाता है, इस पर लिखा है एचडीसीपी 2.2 का इसका एचडीएमआई फॉर्मेट मिल जाता है, प्लस आपको ये एआरसी भी मिल जाती है इसमें। ये देखिए एचडीएमआई आउट और ये एआरसी का भी ऑप्शन दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा इसमें मेरे को लगा है। और ये आपको ऑप्टिकल वन दे रखी है, कोएक्सियल इसमें टू है, और ये सारे ऑक्स के फंक्शन है, तो बहुत ही अच्छे माध्यम से एम्पलीफायर बनाया है। और सबसे अच्छी बात है आपको एचडीएमआई का लेटेस्ट वर्जन इसमें 4K 3D एआरसी भी सपोर्टेबल है, और ब्लूटूथ भी है, आपको यूएसबी भी है, सारे फंक्शंस के साथ मिल जाता है। तो आइए हम इसको एक बार ही प्ले करके इसमें सॉन्ग प्ले करके दिखाते हैं, और वीडियो के एंड में हम आपको उसके प्राइस के बारे में बताएंगे कि किस प्राइस में आप इसे मंगवा सकते हैं अपने घर पे। तो बने रहिएगा गाइस वीडियो में, और हमारा जो प्यारा सा चैनल है ऑडियो हंटर, उसे भी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। इसमें AM FM भी है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसका AM है और यहाँ इसका FM है, तो इसमें ये भी ऑप्शन आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। सो आइए गाइस, मैं इसमें आपको ट्रैक प्ले करके दिखा देता हूँ, और इसके बारे में एक बार फिर दोबारा से, इसमें ये बहुत ही हाई एंड ऑन क्यू के बुकशेल्फ स्पीकर्स लगा दिए हैं, ठीक है, साउंड टेस्ट करने के लिए, ताकि हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को इसका साउंड डिटेल क्लियर दिख जाए, ठीक है गाइस। सो ये बुकशेल्फ भी मैं सेल कर रहा हूँ, इनका भी मैं व्लॉग बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो किसी को ये भी चाहिए, इसका प्राइस एक्स्ट्रा है। अभी फिलहाल मैंने एम्पलीफायर का वीडियो बनाने के लिए ये स्पीकर्स आपको दिखाए हैं टेस्टिंग वीडियो के लिए, ठीक है गाइस। तो आइए हम इसको ऑन कर देते हैं, यहाँ से गाइस जैसे हमने इसको वहाँ पावर केबल दिए, तो यहाँ एक आपका रेड कलर का लाइट जल जाएगा, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो गया, और इसमें ऑन होते ही रिले स्टार्ट हो गए, देखिए ठीक है, कट आवाज आया आपको। तो ये आपका इसका प्रोटेक्शन मोड है, जो आपके एम्पलीफायर को बचाता है, ये इसके अंदर पूरा वोल्टेज हाई सिलेक्टर सब कुछ इसके अंदर इनबिल्ट लगा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले बहुत ही खूबसूरत है, वाइट कलर का इसका डिस्प्ले है, ठीक है। और बात करें इनपुट्स की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ऑडियो टू, ये ऑक्स हो गई आपकी, ट्यूनर है इसके अंदर, आपको FM और AM दोनों मिल जाते हैं, जैसे कि FM 91.1 पे लगा हुआ है। ये देखिए इनबिल्ट ब्लूटूथ है, ये आपका सर्चिंग करने लग गया है, ब्लूटूथ की फैसिलिटी भी आपको इसमें इनबिल्ट मिल जाती है। USB है, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, और ये AV 1, AV 2, AV 3, AUX मिल जाता है, और ऑडियो 1, ऑडियो 2। तो आपको इसमें सारे फंक्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं, और बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है, जिस किसी के पास जाएगा वो बहुत हैप्पी रहेंगे, ठीक है। और ये टोन कंट्रोल इसका फ्रंट में दे रखा है, ट्रिबल है, आप ट्रिबल कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सारे बटन्स फुली वर्किंग है, बेस का ऑप्शन दे दिया है,
ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, स्ट्रेट का है तो आप देख सकते हैं, बटन आर इज फुली वर्किंग। ये आपका प्रोग्रामिंग है, म्यूजिक वीडियो मिल जाता है, स्टैंडर्ड है, और साइंस एडवेंचर हो गया, ड्रामा, मोनो मूवीज, टू चैनल स्टीरियो भी मिल जाता है, आप इसको स्टीरियो में भी यूज़ कर सकते हैं, फाइव चैनल स्टीरियो भी है इसमें। सो इट इज़ अ लॉट्स ऑफ फंक्शन आपको मिल जाते हैं इसके अंदर गाइस। तो आइए हम इसका टेस्टिंग वीडियो दिखा देते हैं, ठीक है गाइस। तो बहुत ही प्यारा एम्पलीफायर है इसमें, और ये अभी हमने जो मोबाइल है ये ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरी लाइव वीडियो बनाते हैं आपके तुषार भाई। 9:14 है और डेट है 9 फरवरी को हम ये वीडियो बना रहे हैं, फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग में। ये हमने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है, तो आइए हम आपको इसका सॉन्ग प्ले करके दिखा देते हैं, और वीडियो के एंड में इसके प्राइस की डिटेल बताएंगे कि किस प्राइस में आप इसे मंगवा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमने सॉन्ग प्ले कर दिया है, ऑसम, बहुत प्यारा साउंड है ये। इसकी वॉल्यूम है, रिमोट फुली वर्किंग है, आप देख सकते हैं रिमोट आर फुली वर्किंग। बहुत प्यारी क्लैरिटी है, बेस बढ़ा रहे थे थोड़ी सी, चार कर देते हैं बेस को, ट्रिबल छह से ये 6 ट्रिबल, ठीक है इसका। तो गाइस क्लैरिटी आप देख सकते हैं, ट्वीटिंग क्वालिटी बहुत सुपर है, इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ये देखिए बहुत सारे फंक्शन है इसमें, सेटअप है ये देखिए, स्पीकर सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन, डिस्टेंस लेवल भी है, इसमें लेवल बढ़ा सकते हैं, इक्वलाइजर है इसमें, ठीक है गाइस। काफी लॉट्स ऑफ फंक्शन के साथ आ जाता है ये, ब्लूटूथ का फंक्शन है आपका, ब्लूटूथ ऑन है, ऑन कर रहे हैं, यहाँ इसके स्पीकर्स बने आ जाएंगे लेफ्ट सेंटर राइट सराउंडिंग ऊपर। ओह माय गॉड, बहुत प्यारी क्लैरिटी है, फुल नेचुरल साउंड, यामा, मेड इन मलेशिया, मॉडल इज STI-3072। आइए सेकंड ट्रैक सुनिए, बहुत ही सुपर क्लैरिटी है गाइस, एक एक ट्रिबल बीट मैं फील कर रहा हूं। लाइव वीडियो है, नो एडिटिंग, आप देख सकते हैं।
जी गाइस, कैसा लगा आपको इसका साउंड क्वालिटी? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा गाइस, मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया म्यूज़िक को। दुआ करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा हो। तो एम्पलीफायर बहुत ही अच्छी मिंट कंडीशन में, शोरूम कंडीशन है, ऑल बटन्स आर वर्किंग, आप देख सकते हैं सारे बटन्स वर्किंग है, इनपुट से लेके सब बटन्स आपको प्रॉपरली वर्किंग मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो आइए हम इसके प्राइस की बात करते हैं। जेन्युइन भारत से हमने ये सेट मंगवाया, मेड इन मलेशिया है और फुल वर्किंग है, सारे बटन्स रिमोट्स ओरिजिनल, ऑल आर ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है, सो ठीक है, तो जैसे कि ये अगर किसी भी हमारी YouTube फैमिली को, किसी ने भाई और बहन को ये एम्पलीफायर चाहिए हो, तो गाइस आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी अदर स्टेट में, चाहे तो आप तेलंगाना है, हैदराबाद है, तमिलनाडु, केरला, एर्नाकुलम, आप पटना, बिहार, उड़ीसा, भुवनेश्वर, नगर, वेस्ट बंगाल, हुगली, और आपका पंजाब में है जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, पंचकुला, और आपका सोनीपत, हिसार, कहीं से भी आप, एर्नाकुलम है, विशाखापट्टनम है, बेंगलोर में है, तो गाइस हमारा ऑल ओवर इंडिया शिपिंग अवेलेबल है। ठीक है, और शिपिंग चार्ज हम एक्स्ट्रा नहीं लेते, इंक्लूडिंग जो हम प्राइस बताते हैं उसी में शिपिंग होता है। ठीक है, कोई हम कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते, और किसी को भी भाई को बहन को ये एम्पलीफायर चाहिए हो, और बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है, यामाहा का है, 5.1 है, काफ़ी हैवी वोल्टेज में आ जाता है, प्लस सारे लेटेस्ट फंक्शंस के साथ है, ब्लूटूथ, एचडीएमआई, यूएसबी, डीटीएस मास्टर। ठीक है गाइस, और बहुत अच्छे इसमें ऑप्शन है, और इस एम्पलीफायर को आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें एचडीएमआई एआरसी भी मिल जाता है आपको, आप चाहे टीवी से कनेक्ट कीजिए, लैपटॉप, एलईडी प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और आपका प्लेस्टेशन, कहीं भी इस एम्पलीफायर को किसी भी स्पीकर्स के साथ, कोई भी ब्रांड के स्पीकर्स आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ऑनक्यो हो, यामाहा हो, बॉस हो, क्लिप्स हो, तो कोई भी ब्रांड के गाइस आप अपने इजीली एम्पलीफायर में स्पीकर्स लगा सकते हैं। एम्पलीफायर बहुत अच्छा है, सारे ऑप्शंस के साथ आपको मिल जाता है, यूएसबी है, ब्लूटूथ इनबिल्ड है, एचडीएमआई एआरसी, कोएक्सियल, ऑप्टिकल, डिजिटल इनपुट, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने इसमें ऑनक्यो के 8 ओम्स के 130 वाट के इसमें स्पीकर्स लगा रखे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे स्पीकर्स है। ठीक है, सो आइए गाइस इसके प्राइस की बात करते हैं। सो ये एम्पलीफायर मैं आपको इंक्लूडिंग शिपिंग, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, मैं जो प्राइस बताता हूँ शिपिंग के साथ, आपको ये 35,000 रुपीज़ का इंक्लूडिंग शिपिंग, कहीं भी आप इसे मंगवा सकते हैं। डिस्प्ले पे हमारा मोबाइल नंबर मेंशन है, यही व्हाट्सएप है। ठीक है, तो किसी को भी चाहिए हो हमें ज़रूर बताइएगा। तो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, होप यू लाइक इट। ठीक है, और हमें कॉल कर सकते हैं सैम्पलीफाई को लेने के लिए, तो जल्दी मिलेंगे, तो शायर भाई को इजाज़त दीजिए। ठीक है, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, होप यू लाइक इट, बाय गाइस।